जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्य वरदे देवी नीलवर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्ग दिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद गरी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी के द्वारा मां जगत जननी महामाया दुर्गा जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है। यह किताब एक ग्रंथ है। 350 पेज इसके अंदर हैं। इस किताब के अंदर दुर्गा रहस्य, दुर्गा सप्तशती रहस्य, नव रात्रि रहस्य, नव दुर्गा रहस्य सभी इसके अंदर शामिल है। नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, नव दुर्गा कैसे मनाना चाहिए, झांकी कैसे रखना चाहिए, झांकी को कैसे हटाना चाहिए, ज्वारे कैसे रखना चाहिए और ज्वारे कैसे उठा करके विसर्जन करना चाहिए, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, गुप्त सप्तशती का पाठ कैसे करें, क्या करें कि मां की कृपा प्राप्त हो जाए, किस प्रकार से पूजन अर्चन करें कि मां की कृपा मिल जाए, किस प्रकार से साधना करें कि मां भगवती की कृपा मिले, और ऐसा क्या करें कि मां भगवती हमें सुख समृद्धि शांति और निरोगी चीज प्रदान करें, कौन सा दीपक लगना चाहिए, कितने दीपक लगना चाहिए, नींबू की माला कैसे लगाई जाती है, लौंग की माला क्यों लगाई जाती है, मां भगवती को अनार क्यों प्रिय है, हवन क्यों ज्यादा प्रिय है, कन्या पूजन क्यों करना चाहिए, किन का कन्या पूजन करना चाहिए, किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किन पंडितों से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कराना चाहिए, ऐसे बहुत से आपके छोटे छोटे प्रश्न, उन सब प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। हवन कब करना चाहिए, जप तप कब करना चाहिए, कहां सोना चाहिए, किस प्रकार से सोना चाहिए, साधना क्या होती है, किस प्रकार से साधना होती है, साधना सफल क्यों नहीं होती है, इन सब बातों का वर्णन उस किताब के अंतर्गत दिया गया है। नवदुर्गा आने वाली है, आप चाहें तो मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए कि आपसे कोई गलती ना हो पूजा पाठ में साधना में, उस किताब का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस किताब के अंतर्गत दुर्गा जी की सभी स्तुतियां हैं और दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम है, कुंजी का स्त्रोत है, दो प्रकार के कुंजी का स्त्रोत है, और कुंजी का स्त्रोत में जो अन्य किताबें हैं उन किताबों में एक लाइन हटा दी गई है, हमने वो लाइन भी उस कुंजी का स्त्रोत के अंदर जोड़ी है। दो प्रकार के कुंजी का स्त्रोत है, एक कुंजी का स्त्रोत छोटा है, एक कुंजी का स्त्रोत बड़ा है। जैसे कुंजी का स्त्रोत के अंदर अम कम चम टम तम यम चम विम दुम एम विम हम चम ये शब्द है, इन शब्दों का मतलब क्या है ये भी हमने बताया है उसके अंदर। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, कितने पाठ करना चाहिए, क्या एक पाठ किया जा सकता है, अर्गला क्या होता है, कीलक क्या होता है, कवच क्या होता है, इन सबके बारे में हमने उस किताब के अंतर्गत बताया है। कीलक का पाठ करना क्यों आवश्यक होता है, अन्यथा फल क्यों नहीं मिलता है, अर्गला क्या होता है, तीनों रहस्य क्या है, देवी जी के तीन रहस्य हैं, उन रहस्य के बारे में भी विस्तृत व्याख्या की गई है।
तो यह एक तरीके का ग्रंथ है। आप चाहें यदि माँ भगवती जगत जननी दुर्गा जी से प्रेम करते हैं, आपके घर में उनका पूजन अर्चन होता हो, नव दुर्गा आप मनाते हो, उपवास रखते हो, नंगे पैर चलते हो, ज्वारे आपके यहां रखे जाते हो, तो यह किताब आपके लिए गीता का ज्ञान के माफिक आपको ज्ञान प्रदान करेगी। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके हर प्रश्न का उत्तर उसमें दिया गया है। हवन कैसे करें, हवन की पद्धति क्या होगी, हर अध्याय के बाद में जो आहुति का मंत्र होता है वो मंत्र भी उसके अंतर्गत दिया गया है। आप चाहें तो किताब खरीद सकते हैं। इस किताब की कीमत पोस्टेज चार्जेस सहित 1100 रुपए रखी गई है। यह स्कीम कब तक चलेगी हमें भी नहीं मालूम है, जब तक आदेश है तब तक यह स्कीम चलेगी। मुझे उम्मीद है कि नौ रात्रि तक चलने की पूरी पूरी संभावना है, पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए आपको ये किताब मंगवानी चाहिए, और जो भी देवी जी से प्रेम करता हो, देवी जी की उपासना करता हो, उनको यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे। इसका पूरा अर्थ दिया है कि ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे क्यों बोला जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपको यदि ऑर्डर करना हो तो 9893128047 पर ऑर्डर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर हमें भेजें, ताकि हम आपको हमारे ट्रस्ट का खाता नंबर दे सकें और ये किताब आप मंगा सकते हैं।